हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शोमाली। तो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी किस तरह से परफेक्ट बिरयानी राइस बना सकते हैं। एक्चुअली बिरयानी का जो टेस्ट बढ़ता है वो है राइस से। तो राइस अगर परफेक्ट ना हो तो अगर स्टिफ हो जाता है और अगर चावल के दाने अच्छे से लंबा नहीं होता, अच्छे से खिल के नहीं आता, तो वो राइस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो बिरयानी भी बिल्कुल खराब हो जाते। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बिरयानी राइस बनाया जाता है। सो गाइज, ये है बिरयानी राइस। मैंने यहाँ पे इंडिया गेट बासमती राइस यूज करी हूँ। एक्चुअली कई बार मुझे लोगों ने पूछा है कि शोमली आप क्या कौन सा राइस प्रेफर करते हो बिरयानी के लिए। सो गाइज, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा मैं ये राइस ही यूज करती हूँ, पर मैं जबकि वीडियो बना रही हूँ या तो जब घर में कोई मेहमान आता है तो मैं सबसे बेस्ट राइस यूज करने की कोशिश करती हूँ। अदरवाइज मैं लूज बासमती राइस भी यूज करती हूँ, पर बिलीव मी उसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर इस प्रोसेस से आप बिरयानी राइस बनाएंगे ना तो ज्यादा कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, राइस बहुत ही खिल के आएगा और जिससे बिरयानी बहुत अच्छा बनेगा। तो सबसे पहले मैं इस बाउल में राइस ले लेती हूँ। तो ये है राइस, आप देख सकते हैं। तो अभी मैं पानी से इसे सोक कर लूंगी। इनफ पानी इसमें देना होगा, मुझे और भी थोड़ा बहुत पानी चाहिए। सो गाइस, पानी से इस राइस को सोक करने के बाद एक घंटे तक इसको बिल्कुल ऐसे रखना है और एक घंटे बाद आप राइस बना सकते हो। एंड यहाँ पे मैं एक छोटा सा टिप मैं आपको देना चाहूंगी कि कभी भी बिरयानी राइस भिगोने के 5-10 मिनट बाद जितना भी जल्दी में आप हो, पर इंस्टेंटली राइस ऐसे ही धो के मत बनाइएगा, पूरा बिरयानी खराब हो जाएगा। अगर आप ऐसे जस्ट बिरयानी के फ्लेवर के लिए बिरयानी बनाना चाहते, बिरयानी खाएंगे इसलिए बनाना चाहते, तो वो अलग बात है। पर अगर एक परफेक्ट बिरयानी आपको बनाना है तो प्लीज राइस को एटलीस्ट एक घंटे तक भिगो के रखना, उसके बाद ही उसे प्रिपेयर करना। सो गाइज, अभी आप देख सकते हैं कि पानी मैंने गर्म कर लिया है एक बड़ा सा सॉच पैन में। तो अभी मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूंगी, होल स्पाइस, जैसे कि ये है ब्लैक कार्डमम, मेस, स्टार एनिस, होल ब्लैक पेपर, सिनेमन एंड कुछ क्लोव्स। तो ये सारे स्पाइसेस मैं पानी के अंदर डाल दूंगी। इसके साथ ऐड करूंगी कुछ सॉल्ट और अभी एक घंटा अच्छे से सोक करने के बाद ये जो राइस है ये मैं गर्म पानी में डाल दूंगी, क्योंकि ये ऑलरेडी गर्म हो चुका है, मतलब अच्छे से बॉइल हो चुका है। सो गाइज, जो स्पाइसेस अभी अभी मैंने राइस में डाला है तो वो सारे स्पाइसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक एरोमेटिक राइस बनाने के लिए, परफेक्ट बिरयानी राइस बनाने के लिए। पर इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि राइस लॉन्ग बने, व्हाइट बने और बहुत ही खिला खिला बने। तो गाइस, इसलिए हमें ऐड करना है अभी, जब अब देख सकते हैं थोड़ा सा ये बॉयल होना स्टार्ट हुआ है, तो अभी मुझे ये ऐड करना है एक ही लेमन के 2 पीसेज इसके अंदर। पर वूल से भी लेमन को स्क्वीज करके इसके जो जूस है ये राइस के अंदर यूज मत कीजिएगा, तो ये खट्टा हो जाएगा। और अभी इस वक्त मुझे और भी एक चीज इसमें ऐड करना है, वो है ऑयल, ताकि राइस एक दूसरे के साथ स्टिक ना हो जाए। थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर दिया, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा घी भी ऐड कर सकते हैं और अच्छे से एक उबल आ जाए, उसके बाद ही हमें गैस को ऑफ करके राइस को स्ट्रेन कर लेना है। सो गाइस, उबल एक आ चुका है, आप देख सकते हैं। अब राइस को भी थोड़ा सा देख लीजिए कितना खिला खिला बना है। तो इसे अभी गैस को ऑफ करके इसे स्ट्रेन कर लूंगी। गाइज, अभी इस राइस को ठंडा करने के लिए हमें फैन के नीचे या तो एसी के नीचे रखना है, पर प्लीज ठंडा करने के टाइम में इसे कोई भी स्पैटुला से ऐसे ऐसे, मतलब इस अपसाइड डाउन ऐसे थोड़ा सा ऊपर का राइस, नीचे नीचे का ऊपर, मतलब जैसे कि हम करते हैं जल्दी जल्दी ठंडा करने के लिए, बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा। बिना टच किए इस राइस को ठंडा करना है और उसके बाद देखिए कितना अच्छा राइस बनता है, तो कितना अच्छा मतलब खिला खिला लग रहा है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा ये हटा के दिखा रही हूँ। तो अभी जबकि ठंडा हो जाएगा तो धीरे धीरे ऐसे राइस आप हटा सकते हैं, और मैं एक छोटे से बर्तन में दिखा रही हूँ, पर अगर हो सके तो थोड़ा एक बड़ा सा बर्तन के अंदर ये अच्छी तरह से मतलब फैला के इसे ठंडा कर लीजिए, तो बहुत जल्दी हो जाएगा और राइस और भी खिला खिला दिखेगा। ये आप देख सकते हैं चारों तरफ से ठंडा हो रहा है और उतना ही लॉन्ग बनता जा रहा है। सो गाइस, ये रहा मेरा आज का रेसिपी। एक्चुअली ये कोई रेसिपी तो नहीं, पर ये एक बहुत अच्छा टिप्स है बिरयानी राइस परफेक्ट कैसे बनाया जाता है इसके।
सो गाइस, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस रेसिपी को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस तरह के और भी कई सारे वीडियोस मैं आपके लिए आगे जाके लाने वाली हूँ। तो चलिए, इस तरह से अगर नया नया रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को फॉलो करते रहिए रेगुलरली। तो चलिए, बाय बाय, और फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ।